बंद करो लाल खाली तभी बंद करो इधर दुखते अरबो दक्कन दक्कन वजह अरब दुखा वल मारे को सफ़न सफ़न वजी आयोम इज़िन बेजहन्नम आयोम इज़िन यतज़क قَالُوا الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. थोड़ा थोड़ा और आगे आओ हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात देखा ज़ैना को तो कितनी मशहूर थी इससे
उसकी अपनी मदर से बहुत मिलती थी सूरत उड़ी घर घर से निकलती थी वो जहरा पीरिदा ज़ईफ़ा मेरी ज़ैनब को कहीं दे कितनी मशहूर थी इस शहर में गैरत उसकी अपनी मादर से बहुत मिलती थी सूरत उसकी उड़ कर घर से निकल जहरा किरदार ज़ईफ़ा मेरी ज़ैनब को कहीं देखा कैसा करता था हालात अली अकबर कितने ताज़ीम किया करते थे सरवर उसकी और आवाज़ दिया करते थे पहरा कहीं देखा है बदलिया हम की मदीने पे जो ये छाई है क्या वो शहजादिया पर्दे से लौटा से क्या सीखते नबी का कुनबा ज़ईफ़ा मेरी ज़ैनब को कहीं देखा है किस लिए आई है करने मेरे घर तू गिरिया रोके अब्दुल्ला से ये हज़रत ज़ैनब ने कहा मैं ही ज़ैनब हूँ मसाइब ने मुझे के आज तुम भी नहीं पहचानते चेहरा मेरा ज़ईफ़ा मेरे ज़ैनब को कहीं दे मैं ही ज़ैनब हूँ मगर आज हूँ कितनी मैं गरीब ले गया नहीं गाए आदा
तुझे मेरा नसीब, और मेरे पास न महफिल थी न मकना नारदा, कहती है ज़ैनब मुझसे,
देख है चेहरा मेरा, अरे आपके रुखसार पे मिल है चाहे आ जाए
पीछे वाले जितने मेरे भाई लोग करें कोशिश करें कि अपनी आंखों से अश्क का नजराना पेश करें। ये वारिद ऐसी इबादत है कि इसमें आप रियाकारी भी कर सकते हैं। अगर आपकी आंखों से अश्क जारी ना हो तो चेहरा भी सर्द अगर बना देना तो वो शोभा जरूर कबूल करती है। ये इतनी लाइटें जली हुई है, बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। भाई अली अभी मुझे कह रहे थे कि शाम के रास्ते खुल गए हैं। मैं कहता हूँ कि ये रास्ता जब खुला हुआ था कि जब शाम का जिंदान बंद था। आपको बताऊं शाम का जिंदान कैसा था। शाम का जिंदान ऐसा था कि मेरी शहजादी आंखें बंद करती थी तो भी वही नजारा नजर आता था और आंखें खोलती थी तो भी वही नजर आता था। बस दो अश्क उस शहजादी की बारगाह में बरसाने। मैं आपको लेके चलता हूँ शाम के जिंदान में। एक रिवायत पढ़ूंगा सिर्फ, उसके बाद इंशाल्लाह मिलकर फुर्सत देंगे। मैं भी 7-8 दिनों से सफर में हूँ, बस आज सुबह लौटा था। भाई का हुक्म था और मैं खुद चाह रहा था कि अगर अपनी सरजमीन को फुर्सत हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। हर बंदा चाहता है कि आशूर का वक्त हो और वो अपने घर पर रहे, कि दिल खोल के मौला की बारगाह में पुरसा दे। कैसे उस बेवतन के एजाज है कि हर बंदा आशूर के रोज चाहता है कि मैं अपने वतन में रहूं। खुश नसीब है आप लोगों के, आप लोगों को ये फर्श अज़ा मिला है। आज होता ही ना करना, मैं आपको तैयार कर रहा हूं, फिर इंशाल्लाह मिलकर पुरसा देंगे। एक भावनगर की सरजमीन पे ऐसा उस शहजादी का पुरसा होना चाहिए कि यहाँ से उस शाम के जिंदान तक दस्तक देनी चाहिए। बात की हाँ यहाँ पर बेबी भी आप अकेली नहीं है, इतने अगरदार मौजूद है। हाँ उलमाई किराम ने यहाँ पर मेरे से ज्यादा जानने वाले बैठे, मैं ही रिवायत पढ़ता हूँ। आज तक ये बात सुनी गई है कि शिमर कोई कहता है कि इमाम हुसैन की गर्दन पे सवार हुआ था और कोई कहता है कि शिव इमाम हुसैन के सीने पर सवार हुआ था। ये बात आज तक पता नहीं चली कि इमाम हुसैन के सीने पर शिव सवार हुआ है या इमाम हुसैन की गर्दन पर शिव सवार हुआ है। इस बात को अपने जहन में रखिए और आइए मैं आपको लेके चलता हूँ शाम के जिंदान में, कि जहाँ मेरी शहजादी का बेस दीवार से जाके टकराती है। बस एक ही जिक्र भी है मेरी बीबी बाबा ला दो बाबा ला दो। इस बच्ची का गिरिया बहुत ज्यादा बना हुआ, मलून ने इस आवाज को सुना। हाँ भाई थोड़ी सी देखा आपने, रोशनी भी बंद हो गई है, थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। जब भी लाइट बंद होती है और आग वाले बैठे हैं, आप हमेशा सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो ठीक है, अपनी जगह पर बैठा है। अरे आपको पता है कि कर्बला से शाम तक कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो ऊंट के पुश्त से गिरे हैं तो आज तक मिले नहीं।
शाम के दरमियान में जयबादी कभी इधर से जाके टकराती है, उधर जाके टकराती है, कहती है बाबा लाल दो। बीवी का गिरिया बहुत ज्यादा बुलंद हुआ, मनून ने इस आवाज को सुना, कह रहा है कौन रो रहा है। वो एक मनून कहता है कि हुसैन की बच्ची रो रही है, कहती है बाबा ला दो। मनून कहता है सर इमाम हुसैन को पेश कर दिया जाए, औलाद वाले बैठे हैं वहां पर। जुमला सुनना फिर पुरता दे, क्या किसी बच्ची की तसल्ली के लिए उसके बाप का सर दिया जाता है। पीछे वाले अफराद भी खड़े पुरसा थे इमाम गजाली की बारगाह में, सुने कैसे मसायब उठाए हैं उस चार साल की हुसैन की बच्ची ने। मेरी तरफ नजर रखो तो इमाम हुसैन के सर को बालों से मनून ने पकड़ा। बालों से पकड़कर मौला सज्जाद की जाने पर रहा था मेरा मौला सज्जाद, दोनों हाथों को जोड़ के कहता है तुझे सर को उठाना नहीं आता, मुझे बुला लेता। इसका जब एक बाल टूट जाता इसकी माँ कई दिनों के लिए करती मौला सज्जाद के हाथ में सर आया। शहजादी सकीना ने एक छोटी सी बच्ची के हाथ कितने रोते हैं, छोटे छोटे हाथ जुल्फो आना सर इमाम हुसैन के सर। शहजादी हाथ में लेके एक अजीब ब्रांड की होंगी शायद, मेरा दिल कहता है शहजादी ने सर को देख के मेरी बीवी कहती है थाम लेना अपना जिगर, अगर आपने बात को जहन में रख लिया दिल में तो घरों पे जाकर भी पुरसा देंगे इंशाल्लाह। सुने क्या कहती है बीवी सर इमाम हुसैन को हाथ में लेके कहती है बाबा बाबा आपका सर बेतरतीब क्यों कटा हुआ है। अरे मेरा दिल कहता है सर इमाम हुसैन से आवाज आई होगी, कह रहा होगा मेरे मौला की बच्ची तूने पेड़ को कटते देखा है कभी, उसे आगे से काटा जाता है कभी उसे पीछे से काटा जाता है। शहजादी सकीना आप अकेली नहीं है, उनका कबूल कर रहा हूं। सर इमाम हुसैन को बेबी हाथ में लेती है और मेरी शहजादी कहती है सुन के पुरसा देना सुन के सकीना कहती थी बाबा के मुंह पे मुंह रख के यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है, हर बिछड़ के आपसे भाई। अब तो बच्चे भी रोने लगे हैं, सोचो ये बच्चे जब बात सुन नहीं सकते हैं तो उन बच्चों ने तो झेला है। हुसैन को लेती और एक बैन करती है अब आ गए हो तो सुन लो
सोचे आप 15 मिनट कैमरा लेके नहीं खड़े सकते, तो करबला वालों में शाम तक का सफर इस रसन में लोग ऐसे बने हुए। एक अजीब अंदाज में अपना छोटा सा गला इमाम हुसैन को दिखाती होगी और बीवी कहती है कि जिस हमारी जितनी अदादारी हमने इन दो महीने में किए मौला, उन सब की अदादारी को कबूल करना। ये होना मेरी शहजादी मन हुसैन के सर को देखते ही अपने कान की तरफ इशारा करके बीवी कहती है बाबा बाबा आपने जो ईद वाले दिन घुमर दिए थे वो शिवर ले गए। अरे नजर उठा के मेरे कान देख लो बाबा, ये जान जाओगे बच्ची पे क्या सितम टूटा। अरे लवे लवे भी फट गए, लवे भी फट गए, छोटे छोटे से बच्चों की आंख में आंसू है या शहजादी, इन छोटे छोटे आंसुओं के बारे में बोल यदि होना भी बाबा बड़ी मुझे सुनानी तैयार हो जाएगा जिसकी आंखों से अभी भी अश्क नहीं बरसे। इस अलम को देखे दोनों हाथ जोड़ के मौला पास की बारगाह में आप शरीक हो जाए। सुने उस छोटी सी बच्ची के बैल दोनों से हाथ को जोड़ के मेरी शहजादी इमाम हुसैन के सर की तरफ देखती है, नन्ने नन्ने हाथों को जोड़ती है और मेरी बीबी कहती है अरे चले जाता Oh, my God.
जाना मुझे भी ले
सर जरूरी है जाना, मुझे दिल जाना। मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, यतीमी का बोझ सहता हैया भला खैर अमल
परेशानी मिलेंगे तो कब देंगे। ग्यारहवीं इमाम की सरकार ने भी पैसा देना है, ताबूत रखा है, तो हर कल अल्लाह इमाम की बात करके सारे बोले
गलियों में शहर शाम की करते हुए सफर, गलियों में शहर शाम की करते हुए सफर, सालों से अपना चेहरा छुपाने टूट गया है।
से
जो मुझे आ
मुझे आपके कब्र हर तमाचे किसके गाने हर तमाचे किसकी गाने Thank you.
मुझे आपके पास है हमारा
मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा है, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। कभी कानों से कभी सर से कभी मेरे सिर का सारा
सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे पान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, मैं साथ मुहर्रम से प्यासी है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुखते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, करता है सितम जालिम सोनी बिनगी देता, करता है सितम जालिम सुने भी नहीं देता, मत में मत में सुला दो मुझे भैया, दुख दे मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है, माशाल्लाह आजादारु तमाम मातमियों को मौला सलामत रखे, इलाही आमीन। आइए मिलते हैं, मेरी सदा से सदा मिलाइए, या हसन या हसन या हसन है हसन अस्करी, या हसन है हसन है हसन अस्करी, या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन या हसन, भेजिए बेटे को मौला, भेजिए बेटे को मौला, मुंतजिर है मातमी, या इमामे अस्करी, 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 भेजिए बेटे को मौला, मुंतजिर है मातमी, या इमामे अस्करी, या इमामे अस्करी, या इमामे अस्करी, दास्ताने जुल्म मौला अब जहां से खत्म हो, जब तलक मेहंदी लाए रोक लीजिए वक्त को, अल्लाह जल कह कर गुजरती जा रही है हर सदी, या
अपने असगर को किया आ गया नजरों में हाय मंजरे करो भला अपनी तुर्बत अपने जब घर में खुद तैयार की आई मामे असगरी आई मामे आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी यूं तो सारा सामरा था रोने वालों में मगर हाय भाई कह के रोए कोई तेरी लाश पर आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी पर्दा गए बात महदी भी तड़प कर रह गया ग्यारह सदियों बाद ये फिर से सितम जाया गया आपके रोजे का कीड़ा है शहादत दूसरी आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी माशाल्लाह आई मामे अस्करी आई मामे अस्करी बाद रही से
तरफ जब निकली उनके बल्ले
तेरे जति बाबा आज सुनी रोदारे जति बाबा आज सुनी ऐसा बतूल का
हुसैन की शहादत हो बया कैसे मोमिनों, मोहसिन की शहादत हो बया कैसे मोमिनों, एक आभी न कर सका बचा कुल था बलूस पर सफर दिया ऐसा कुल था बलूस पर सफर दिया ऐसा बतूल का पहलू से कष्ट कर दिया, ऐसा बतूल का अहले अज़ाब को गम ने रुलाएगा हश्र तक, अहले अज़ाब को गम ने रुलाएगा हश्र तक, रोकर सनद के टुकड़े उठाना बतूल का पहलू से कष्ट कर दिया, ऐसा बतूल का अहले अज़ाब को रुलाएगा हश्र तक, अहले अज़ाब को उठाना बतूल का पहलू से कष्ट कर दिया, ऐसा बतूल का पहलू से कष्ट कर दिया, ऐसा बतूल का पहलू से कष्ट सहरा के बाद हो गए खामोश मुर्तजा, सहरा के बाद हो गए खामोश मुर्तजा, तन्हा दिल पे गया जाना बतूल का पहलू मुश्किल हुआ है सांस भी लेना बतूल का, या हुसैन
नहीं कहता बाबा।
अदी कहता है कोई कैदी कहता है कोई कोई यतीमा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे क्या करूं अपने एक बार बोला
कैदी के दाग खुए, कैदी के दाग खुए, कोई यतीमा बाबा किया था मैंने खून बेशीर से अंदाजा किया था मैंने अरे आपका चेहरा तो पहचान लिया था
पाके रसियों से सकीना को छोड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। मैं हूँ मुश्किल में, मैं हूँ मुश्किल में, मुझे पास बुला लो बाबा, आके रसियों से सोने से भी डर लगता है, लू जो करवटे तो मेरे कानों से खुरसता है, अपने सीने पे अपने सीने पे घड़ी भर को सुला लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा, आके रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। हे स्मृति मांग जो पानी तो छिड़क देता है, स्मृति मांग जो पानी तो छिड़क देता है, फिर मेरे सामने मट्टी पे गिरा भेज के गाजी को दो गुल मंगा लो बाबा, आके रसियों से। भाई भाई नहीं भाई नहीं भाई, अब हो गया हो गया भाई, अब एड गाने से भाई के रसियों से सकीना को छुड़ा लो बाबा। पाल के Thank you.
मुझको जिंदा के अंधेरों